अयोध्या में 50,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। बड़े यूपीआई लेन देन पर लग सकता है शुल्क। बिजली के सामान के लिए अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू। कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी। एटीसी के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण करेगी ब्रुकफील्ड। व्यापार जगत की खबरों में सबसे पहले बात प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या की, तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश में 50,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने अपने एक बयान में कहा कि अयोध्या के बाजारों में अभी से राम मंदिर से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं की भारी डिमांड है। कैट महामंत्री ने कहा कि राम मंदिर बनने से अयोध्या में पूजा पाठ से संबंधित बड़े व्यापार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर लोगों की आस्था के साथ साथ देश में एक बड़े व्यापार का केंद्र भी बनता जा रहा है। उधर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी दिलीप असबे ने कहा है कि UPI पर लेन देन करने वाले बड़े व्यापारियों को अगले 3 वर्षों में लेन देन करने पर उचित शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लंबे समय के हिसाब से छोटे व्यापारियों के बजाय बड़े व्यापारियों पर उचित शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें 1, 2 या 3 साल लग सकते हैं। इस साल NPCI ने UPI के माध्यम से PPI पर आधारित वाणिज्यिक लेन देन पर इंटरचेंज शुल्क लगाया था। वहीं घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और उनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्विच सॉकेट जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। इस संबंध में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा 1 जनवरी 2024 को विद्युत सहायक उपकरण आदेश 2023 जारी किया गया था। इधर सरकार की कोकिंग कोयले के आयात के लिए सरकारी कंपनियों का समूह बनाने की तैयारी है। इसका मकसद कोकिंग कोयले की कमी का सामना कर रही घरेलू स्टील कंपनियों की मदद करना बताया जा रहा है। दरअसल देश की कई स्टील कंपनियों ने सरकार को कोकिंग कोयले की कम आपूर्ति और अधिक दाम के बारे में ज्ञापन दिया था। इन कंपनियों ने स्टील बनाने के मूल प्राथमिक कच्चे सामान की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए मदद मांगी है। बता दें कि देश की स्टील कंपनियां सालाना 7 करोड़ मीट्रिक टन कोकिंग कोल की खपत करती हैं। इसके लिए देश को कुल जरूरत का करीब 75% कोकिंग कोल आयात करना पड़ता है। देश की स्टील कंपनियां विश्व में कच्चे स्टील की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक हैं। भारत को होने वाले कोकिंग कोयले के आधे से अधिक की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया से होती है। इसके अलावा अमेरिका, इंडोनेशिया और कनाडा से भी कोकिंग कोल का आयात होता है। इसके अलावा कनाडा स्थित ब्रुकफील्ड 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे में अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन यानी ATC के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें ATC इंडिया पर 2 अरब अमेरिकी डॉलर का उद्यम मूल्य और 1 अक्टूबर 2023 से लगने वाला क्षतिपूर्ति शुल्क भी शामिल है। इस लेन देन के लिए विनियामक की अनुमति जरूरी है। इसके 2024 की दूसरी छमाही में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।